दिल्ली सरकार की शिक्षा मंत्री आतिशी ने मंगलवार को सुंदर नगरी में 8,000 बच्चों के लिए बन रहे मॉडर्न सुविधाओं वाले स्कूलों का निरीक्षण किया। आतिशी ने अधिकारियों को 1 महीने के भीतर निर्माण कार्य पूरे करने का आदेश दिया। उत्तरी पूर्वी दिल्ली के घनी आबादी वाले बच्चों को नए स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम, लाइब्रेरी, शानदार लैब्स, एक्टिविटी रूम, लिफ्ट सहित तमाम सुविधाएं अब से मिलेंगी। आतिशी ने दिलशाद गार्डन विधानसभा के अध्यक्ष रामगोपाल के गोयल के साथ सोमवार को संत एकनाथ सर्वोदय कन्या विद्यालय के 4 मंजिला नए एकेडमिक ब्लॉक और एमपी हॉल का उद्घाटन किया। इस मौके पर आतिशी ने कहा, वो परेशान करते रहेंगे, अरविंद केजरीवाल नए स्कूल बनवाते रहेंगे। आज संत एकनाथ सर्वोदय कन्या विद्यालय दिलशाद गार्डन में विधानसभा अध्यक्ष रामविलास गोयल के साथ 4 मंजिला के नए एकेडमिक ब्लॉक और एमपी हॉल का उद्घाटन किया गया। उन्होंने लिखा, स्मार्ट क्लासरूम, शानदार लैब और लाइब्रेरी, लिफ्ट सहित अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस नई बिल्डिंग में हमारे बच्चों को वर्ल्ड क्लास शिक्षा मिलेगी, ताकि वो न सिर्फ अपने परिवार बल्कि देश को भी आगे बढ़ा सकेंगे। उन्होंने कहा, आज हमने केवल इस भवन का नहीं बल्कि देश के सुनहरे भविष्य का उद्घाटन किया है। इन क्लासरूम में पढ़ के हमारे बच्चे अपने परिवार के साथ साथ देश को भी आगे बढ़ाएंगे। इसके लिए मैं दिल्ली वालों की तरफ से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करती हूँ।